हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। स्कूल खुल चुकी है, स्कूल जाना पड़ रहा है और एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है, तो कोई बात नहीं। आज हम लोग सीखेंगे ऊ की मात्रा वाले शब्द। ऊ की मात्रा वाले शब्द यानी छोटा ऊ। कौन सा ऊ? तो छोटा ऊ। देखिए ये जो है ना, ये मात्रा है, छोटा ऊ का मात्रा है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ शब्द कैसे कैसे होंगे, एक एक करके सारे शब्द को सिखाऊंगा। सीखना है, एकदम मन लगा के पढ़ना है। क है, क के नीचे आप ऊ लगा दीजिए तो हो जाएगा कू और ला, कूल। ये क्या हो गया? कूल। पहला शब्द मैंने आपको बता दिया, कूल। दूसरा शब्द भी मैं आपको अभी के अभी इसी समय बताऊंगा, च हो गया। और च के बाद ये त लिख दिया, त के बाद ऊ, चतुर, चतुर, चतुर भी हो गया। एक और शब्द आपको मैं बताऊंगा, ये लिख दिया ब, और ब में ऊ की मात्रा दे दिया बू, ख आ की मात्रा और र, बुखार। बुखार तो लिखा ही गया। अब एक चौथा देखिए क्या है, बुखार। जामुन कभी आप खाए हो कि नहीं खाए हो? अरे वो काला काला कलर का होता है, हाँ, जो देखो देखो पिक्चर में जो दिख रहा है, बस यही जामुन है। तो जामुन भी फटाफट लिखना सीख जाइए। ये ज लिख दीजिए, फिर आ की मात्रा दे दीजिए तो हो गया जा। अब म फिर लिख दीजिए, अब म पर ऊ की मात्रा दे दीजिए तो क्या हो जाएगा? जामू, और एक न लिख दीजिए तो जामुन भी आपको लिखना आ गया होगा। जामुन सीख गए। और मैं आपको बताता हूँ पांचवा नंबर, पांचवा नंबर जो होगा वो क्या होगा? जामुन, जामुन। चलिए गुलाब का तो फूल आप देखे ही हो, वो भी लिखना सीख जाओ। तो देखिए ग हो गया, अब ग में ऊ की मात्रा लग गया था गु, आ फिर ल पर आ की मात्रा लग गया था गुला, अब गुला। पांच वर्ड तो आपको मैंने सिखा ही दिया गुलाब, अब और भी सिखाऊंगा। तो एक छठा वर्ड मैं लिखना सीख आ रहा हूं आपको, गुलाब हो गया। गुलाब के बाद क्या हो जाएगा? सुबह सुबह आप जगते हो, स्कूल के लिए जाते हो, तो वो सुबह शब्द है स, और स में ऊ की मात्रा लग गया था सु, अब और ह, सुबह। तो सुबह भी आपको लिखने आ गया, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाना हो तो सुबह लिखने तो आना चाहिए। अब देखिए स्कूल से आए तो आपके दोस्त का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो जन्मदिन है तो उसके लिए भी कुछ लेते जाइए, गिफ्ट वगैरह। तो जन्मदिन के लिए क्या है, यानी कि उपहार, आप जो गिफ्ट लेके जाइए वो क्या है? उपहार। यहां लिखिए उ प ह, और ह में आ की मात्रा उपहार, उपहार। ये आपका हो गया उपहार। अब देखिए और भी आपको कुछ नए नए शब्द लेके आते हैं उपहार। और एक चीज पूछता हूं, कछुआ देखे? कछुआ, कछुआ देखे तो चलिए कछुआ लिखिए आठवें नंबर पे, क छ, छ हो गया कच्छ, इसमें ऊ की मात्रा लग गया तो कछु, कछु तो हो गया, अब आ की दे दो कछुआ। कछुआ भी आपको लिखना बता दिया, और क्या क्या बताऊं, जल्दी बताइए। कछुआ हो गया। यमुना, यमुना नदी के किनारे जाते हैं, कभी घूमने गए हुए थे? अच्छा, तो ये हो गया यमुना नदी, यानी यमुना भी आपको लिखने आ ही गया। अब देखिए आ गया होली। होली में आप ऐसे कैसे रहिएगा? गुलाल तो लगाइएगा ना दोस्तों को, तो लिख दीजिए ग में ऊ की मात्रा गु, ल पर आ की मात्रा ला, गुला, ल, गुलाल। गुलाल लिखने आ गया, बहुत अच्छी बात है, गुलाल आपको लिखने आ गया। गुलाल लगा दिए तो दोस्त बोला क्या आपसे? बोला कि देखो बहुत गुलाल लगा दिए, बहुत। तो बहुत भी आपको लिखना मैं बता दिया, बहु और त, बहुत, बहुत गुलाल लगा दिए, तो बहुत लिखना सीख लीजिए। उसके बाद 12वें नंबर पे मैं आपको सिखा दूंगा होली किस दिन पर आता, बुधवार को, तो बुधवार भी लिखने आना चाहिए। ब में ऊ की मात्रा बु, और फिर ध, बुध, वा, अर, बुधवार। बुधवार आपको लिखना भी बता दिया मैं इसी वीडियो में, बु अध वार, बुधवार, बुधवार लिखने आ गया। अब देखिए होली का अनुभव कैसा रहा, दोस्तों से शेयर कीजिए, बताइए कि होली में मैंने क्या क्या किया। तो अनुभव, अनुभव लिखिए, अ नु भ व, अनुभव। अनुभव आपने अपने दोस्तों से साझा किया, शेयर मतलब साझा करना। अब देखिए एक और वर्ड लिख लीजिए,
असुर, असुर असुर मतलब समझते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं? ये असु अर असुर, अरे महाराज राक्षस होता है, राक्षस। चलिए हम, मैंने आपको सिखाना था ऊ की मात्रा वाले शब्द, मैं आपको सिखा दिया, फटाफट इसे लिख लीजिए, याद कीजिए, मम्मी को सुनाइए, सर को सुनाइए, खुश रहिए। बाय बाय, गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।